आज सरकारी नौकरी मिलना काफी मुश्किल हो चुका है, जिसके लिए युवा कड़ी मेहनत करते हैं। बहरहाल इन युवाओं के लिए खुशखबर है, जिला परिषद द्वारा मेगा भर्ती की जा रही है, जहां विविध संवर्ग से 557 पद भरे जाएंगे, जिसकी जानकारी जिला परिषद सीईओ सौम्या शर्मा ने दी है। गौरतलब है कि इस मेगा भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। जिला परिषद में साल 2016 से कर्मचारी भर्ती नहीं हुई थी। 17 साल बाद जिला परिषद की नौकरी में पहुंचने का युवाओं को मौका मिल रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया IBPS सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से होगी। जिला परिषद ने IBPS एजेंसी के साथ अनुबंधन किया है। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जुलाई महीने में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कर साल के अंत तक प्रक्रिया को पूरा करने का CEO ने मानस किया है। कनिष्ठ अभियंता से लिपिक वर्ग तक विविध प्रवर्ग के पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ होने वाली है। जिल्हा परिषद मध्ये 2016 पासून झाली नाही 2016 पासून जिल्हा परिषद मध्ये पद भरती झाली नाही, पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये असा परिस्थिती होती। ते आता या वर्षी आपल्याकडे इन्स्ट्रक्शन्स जे आलेली आहे त्या आधारावर जिल्हा परिषदची सरल सेवा भरती होणार अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये टोटल 557 पोस्ट आहे। याचा जे प्रोसेस आहे ही 557 पोस्ट आहे प्रत्येक विभागमध्ये, ज्यामध्ये जेईज, कनिष्ठ सहायक, डिफरंट प्रत्येक काडरचे लोक आहे इन्क्लुडेड यामध्ये। आणि आज आपला अग्रीमेंट झालेला आहे आय बी पी एससोबत महाराष्ट्रामध्ये ऑलमोस्ट लगभग प्रत्येक जिल्हा परिषदाचा अग्रीमेंट झालेला आहे। त्याच आधारावर भरती बाय दिस इयर या वर्षपर्यंत होणार अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये मी व डेप्युटी सीईओ GAD आम्ही काम करत आहोत ॲट प्रेझेंट। ते पद भरती होण्यानंतर जे आता ॲडव्हर्टाईजमेंट जे आहे ते रेडी होत आहे, ॲट प्रेझेंट ते इन वर्क्स आहे। एकदा ॲडव्हर्टाईजमेंटचे जसे ड्राफ्ट फायनल झाला आणि आमच्याकडे शासनातून ते गो अहेड मिळाला, त्याच्यानंतर आम्ही ॲडव्हर्टाईजमेंट पब्लिश करणार आहे। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।